मांगो क्या चाहिए तुम्हारे लिए। संतों ने कहा भैया हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई अगर संतान हो उस संतान का नाम तुम नारायण रख लेना। बोले बस इतनी सी बात, ठीक है रख लेंगे। संतों ने कहा भूलना मत भैया, ठीक है नारायण नाम रख लूंगा। संत इस प्रकार मंत्र दे करके चले गए। समय हुआ, दसवां पुत्र जब हुआ तो उसका नाम रख दिया नारायण। जिंदगी भर इसने पाप किया और अंत समय में जब 80 वर्ष का हो गया और जब खाट पर लेटे लेटे ये विचार कर रहा था, बताओ जिंदगी भर हमने पाप ही पाप किया, अब मैं मरने वाला हूं, अगर मैं भगवान का नाम उच्चारण करूं तो मेरी मुक्ति सुधर जावे, ऐसा सोच रहा था। लेकिन भगवान का नाम मुख से नहीं निकल गया। अंत समय में भैया भगवान का नाम नहीं आता, आप लाख प्रयास कर लो, आप सोच लो कि हम भगवान का नाम लेवे लेकिन नाम नहीं आता। अभी कहते हैं दादाजी बोलो हे हरे राम नाम नहीं आ, दादाजी नाम नहीं ले, एकाध बार न करे आउत, मरे राम जा नहीं कह रहे हरे राम, जा कह रहे के मरे राम। बुढ़ापा आया, इसको विचार कर रहा था अजामिल, उसी समय क्या देखा खाट पर लेटे लेटे कि मुझे यमदूत पकड़ने के लिए आ रहे हैं, मुझे यमदूत पकड़ने के लिए आ रहे हैं, ऐसा विचार कर ही रहा था, इसके प्राण निकलने ही वाले थे। इसने अपने बेटे नारायण को बुलाना चालू कर दिया। जब इसके प्राण निकलने ही वाले थे, इसको लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, अब मैं मर जाऊंगा, खाट पर लेटे लेटे इसने अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचा लो, नारायण बचा लो, नारायण बचा लो। दूर खेल रहा था बेटा नारायण, अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचा लो, नारायण बचा लो, नारायण बचा लो। बेटा तो नहीं आया, वो छोटा था, लेकिन हाँ अंत समय में बेटा नहीं आया, भगवान के दूत जरूर आ गए। क्यों? अंत समय में, मरते समय में इसने नारायण का नाम लिया है, इसलिए नारायण ने आदेश दिया जाओ उसको लेकर के आओ। नारायण के दूत पहुंचे, यमराज के दूत पास में बांध करके ले जाने लगे। क्यों? बोले ये दुष्ट है, इसने जिंदगी भर पाप किया है, पाप में लिप्त रहा, वेश्या का संग किया, हम ले जाएंगे इसको, नरक में डालेंगे, यातनाएं देने। नारायण के दूत बोले बिल्कुल नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते तुम। क्यों नहीं ले जा सकते? इसने जिंदगी भर पाप किया है, पाप कर्म में लिप्त रहा है, इसलिए नरक में जाने का अधिकारी है। नहीं, जिंदगी भर पाप किया इसने, ये मैं मानता हूं, लेकिन मरते समय इसने नारायण का नाम लिया। यमराज के दूत बोले नारायण का नाम लिया है तो इसका मतलब इसका पुत्र का नाम ले रहा था, बुला रहा था पुत्र को, पुत्र को अपने पुत्र को बुला रहा था, नारायण बचा लो। बोले नहीं, अपने पुत्र का नाम तो ले रहा था लेकिन हमारे नारायण जो परब्रह्म परमात्मा हैं, वो आदि अनादि से हैं, नाम तो आज रख लिया इसने, हमारे प्रभु का नाम इसने मरते समय लिया है, इसलिए प्रभु का आदेश है हम बचाने के लिए आए। दोनों में युद्ध होने लगा, भगवान के दूतों में, यमराज के दूतों में लड़ाई हुई, भागवत जी में लिखा है। और जब भी तो यमराज के दूत लड़ते लड़ते थक गए, हार गए, यमराज के दूत हार गए, भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को मार के भगा दिया, अजामिल को लिया और लेकर के भगवान के धाम को पहुंचा दिया। जैसे ही भगवान के धाम को पहुंचाया, राजा परीक्षित ने कहा हे गुरुदेव भगवान, जिंदगी भर इसने पाप कर्म किया, जिंदगी भर पापों में लिप्त था, अंत में भगवान के धाम को क्यों गया? बोले परीक्षित, मरते समय इसने नारायण का नाम ले लिया।
परीक्षित मरते समय नारायण का नाम लिया है इसलिए भगवान का धाम मिल गया। और मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था क्या इन नरकों से बचना है तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा, पांच प्रकार के यज्ञ करने पड़ेंगे। और आज इस अजामिल ने जिंदगी भर पाप तो किया, पाप कर्म में लिप्त था, लेकिन वली पुत्र का नाम लेकर के बुलाया, नारायण को तो बुलाया। इतने लोग हमारे प्रबुद्ध जन बैठे हैं दादाजी लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मरते समय भगवान का नाम निकलता है। सच बताना क्या जब लोग मरते हैं तो क्या उनके मुख से भगवान का नाम निकलता है? राम है तो भजो, नाम की बात कर रहे होते तो मरते समय जो आउ तो के हमारा हल को मोड़ा नहीं दिखा रहा हूं कहां गो। मरवे डरे हैं वे, बैंक में पैसा हाथे सो भैया तना निकरवा लो, अब का पता आओ।